कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इफ्तार पार्टी में वैसे तो विपक्ष के कई नेता पहुंचे। इस पार्टी में भले ही विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदों को जरूर भेजा। टीएमसी से लेकर बीएसपी के नेता तक राहुल की इफ्तार पार्टी में शरीक हुए, लेकिन इस पार्टी से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से किनारा किया, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आखिर चल क्या रहा है। क्या कांग्रेस और समाजवादी के बीच दरार आ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि एसपी के नेता राहुल गांधी के बुलावे पर उनकी इफ्तार पार्टी में जरूर जाएंगे। अमूमन रामगोपाल यादव ऐसे आयोजनों में शिरकत जरूर करते हैं, लेकिन राहुल की इफ्तार पार्टी में वो भी नजर नहीं आए। एसपी नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर जब अखिलेश से पूछा गया, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर इस सवाल से पल्ला झाड़ लिया। सियासी जानकारों की माने तो बीते कुछ दिनों में बीएसपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह से नजदीकी बढ़ी है, उससे अखिलेश बेहद परेशान है। अखिलेश बीएसपी से गठबंधन करने को तो आतुर है, लेकिन कांग्रेस को कोई खास तवज्जो देने के मूड में नहीं है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि एसपी यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को साथ लेने को लेकर पार्टी उत्साहित नहीं है। दिलचस्प ये है कि एसपी नेता खुलकर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के चुनाव लड़ने के बावजूद एसपी ने न सिर्फ सीटें जीती, बल्कि कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई। ऐसे में एसपी अब यूपी में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और मायावती की बढ़ती नजदीकी ने भी अखिलेश के सिरदर्दी को बढ़ाकर रख दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को लेकर एसपी की ये तल्खी क्या गुल खिलाती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।